Welcome to the first chapter of class 9 biology, that is the fundamental unit of life, the cell. Before studying the chapter, the cell, we should know why we need to study. Because cell makes the foundation of biology. Without cell, we cannot explore biology. So, we'll study about cell in this video. Myself, Vishwith Ghoshal, and I'll help you to explore the world of cell. All of you have seen that a building is made by putting thousands of bricks together. Same as each and every living organisms in this world is made up of thousands of cells like our body is made up of trillions of cells. If you talk about a unicellular organism like amoeba or a multicellular organism like human being all of our body is made up of cells. So cells are the basic structural unit of our life. okay, each and every functions of our organs inside us, okay, are the resultant or the summation of the functions of the cells by which our body is made up of. if we talk about of our stomach, our stomach help us in digestion. but stomach is made up of what? stomach is made up of several tissues and those tissues are made up of cells. so that's why cells are known as the structural and functional units. So, a cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all of life's processes. Because, uh, energy uh, life process means nutrition, respiration, reproduction, excretion, okay growth. So each and every life process, the activities of life depending on your cells. So cells are the structural and functional unit of life structural unit. बिकॉज एक बिल्डिंग अगर बनाना है तो ब्रिक्स को ईटा को जैसे जोड़ेंगे बिल्डिंग का शेप और साइज वैसा ही होगा तो हम लोगों का बॉडी का शेप और साइज जो है उस सेल के ऊपर ही डिपेंडेंट है दैट इज वाई स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट प्रीवियसली आई सेड ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ आवर लाइफ डिपेंडिंग अपन आवर सेल्स नाउ आई टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक एक्चुअली ही वॉज अ फिजिसिस्ट वेन ही वॉज ऑब्जर्विंग स्लाइस ऑफ कॉर्क कॉर्क क्या होता है जो प्लांट जो होता है पेड़ जो होता है उसका बाहरी जो खाल होता है उसको कॉर्क कहते हैं तो जो कॉर्क ऑब्जर्व कर रहे थे अपना बनाया हुआ एक जुगाड़ी माइक्रोस्कोप जिसको कहा जाता है क्रूड माइक्रोस्कोप सो so, ऑन 1665 ही डिस्कवर्ड सेल रॉबर्ट हुक दैट इज़ व्हाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी ज सेल्फ बायोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सेल सेल बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं सो रॉबर्ट हुक जब क्रॉक कॉर्क का स्लाइस को अपना क्रूड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे तब तो उन्होंने हनी कम यानी कि मधुमक्खी का छत्ता में जो मधुमक्खी का जो घर होता है उसका जैसा कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किए थे सेल का मतलब होता है चिम्बर यानी कि एक घर और उन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने माइक्रोग्राफिया बोल के उन्होंने अपना जो बुक है उसमें लिख के गए थे। सेल और से हम लोग सेल को नहीं देख सकते। अबाउट द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटन वन लिवेन हॉक एंटन हॉक एंटन वन लिवेन हॉक ने अपना घर के बगल में एक छोटा सा तालाब था उसमें उसका जो पानी है उसका पानी को अपना बना हुआ छोटा सा सिंपल माइक्रोस्कोप से जो फोटो में देख रहे हो इसे ऑब्जर्व कर रहे थे और तब उन्होंने पहली बार के लिए, लिए लिविंग सेल लाइफ सेल और कुछ बैक्टीरियास को ऑब्जर्व किए थे दैट इज वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एज वेल एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन ल्यू एन के द्वारा किया गया था हियर वी कैन सी अनदर पिक्चर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जो कि हम लोग जनरली लैब में यूज़ करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए सेल को यहाँ पे एक सैंपल भी दिया हुआ ऑनियन पिल यानी प्याज का जो छिलका होता है उसका सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखने में लगेगा ना विल टॉक अबाउट सम इंपोर्टेंट साइंटिस्ट बिहाइंड से डिस्कवरी सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये सारे साइंटिस्ट के नाम लिए बिना हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं रोबर्ट हॉक सिक्स बैक्टीरिया Robert Brown, in 1831 he discovered nucleus, the CPU of the brain of cell, Duzardine. He discovered protoplasm, later on, it was named by Parkenji, Camillo Golgi, the discoverer of uh, Golgi body or Golgi complex. Altman and Benda, they discovered mitochondria, the powerhouse of cell. सेल का पावर हाउस यानी कि सेल के लिए तो सेल के लिए ए या एनर्जी बनाता है नॉल एंड रुस्का वर द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिससे हम लोग ढाई लाख से चार लाख गुना बड़ा कर ज़ूम ज़ूम करके कोई सैंपल uh, को हम लोग देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में लास्टली द सेल थ्योरी वॉज गिवेन बाई टू जर्मन बायोलॉजिस्ट स्लेडेन एंड शुअन लेटर ऑन इट वॉज इम्प्रूव बाय रूड लवि Now, look at cell theory, which was given by Sladen and Schwann. So, what they said in cell theory all organisms are composed of one or more cells. Unicellular organism like amoeba, amoeba ka jabadi hai, cells and human beings, hum trillions of cells द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में जो प्रिवेल करते हैं सब का बॉडी सेल से बना होता है एंड लैटर ऑन अ साइंटिस्ट नेम रशियन साइंटिस्ट ही एडेड ओमनी सेलुला इज सेलूला इसका मतलब होता है ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस बाई डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि अर्थ में आज जो सेल देख पा रहे हैं वो पहले कोई ना कहीं ना कोई उसका जो मदर सेल है उसका डिवीजन का रिजल्ट है ओके okay? सो so याद रखना ओमनी गिवन सेल थ्योरी का कुछ एक्सेप्शन लाइक वायरस दे आर निधर लिविंग नॉर नॉन लिविंग वो उसको हम लोग सेल नहीं मानते हैं वो भी एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का बीच का कोई चीज है ओके सेल विदाउट न्यूक्लियस जैसे कि हम लोगों का जो मैच्योर आरबीसी होता है

जो अलग अलग सेल्स होगा उसका शेप और साइज में कितना अंतर होगा ओके सो देर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर देयर लाइक द शेप ऑफ अ न्यूरोन सेल इज लाइक स्टार ओके शेप ऑफ अ स्पार्म सेल इज लाइक टैटपोल ओके सेल शेप ऑफ एमिबा उसका कोई शेप ही नहीं होता है ओके सेल शेप ऑफ एग और ओबम उसका जो शेप होता है वो एक फुटबॉल जैसा होता है सो देर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर देयर इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट साइज हाँ इसमें भी बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है जैसे कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होता है काइंड ऑफ बैक्टीरिया दे नेम्ड एज माइक्रोप्लाज्मा और पी पी एल ओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म दे आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑन दिस अर्थ लार्जेस्ट सेल बाई वॉल्यूम इज द एग ऑफ ऑस्ट्रीच द लॉन्गेस्ट सेल इन आर बॉडी इज वन काइंड ऑफ न्यूरोन दैट इज मोटन न्यूरोन सेल Largest cell in human body is our egg cell or ovum cell. Longest cell in plant is a kind of fiber of Remi plant. So here we can see different size variation of cells.